जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है नेशनल कोबरा कैडेट यूट्यूब चैनल में। मैं आप सभी लोगों के सामने फिर से आ गया हूँ। यह तो टॉपिक पे मुझे पहले ही वीडियो बना देना चाह रहा था, लेकिन तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन तो जब मैं ट्रेन से इधर उधर सफ़र कर रहा था तो बहुत सारे कैंडिडेट जो मिले कि सशस्त्र सीमा बल का जो फॉर्म फिल किए थे 2023 का नोटिफिकेशन आप ऊपर टॉप पे देख सकते होंगे, एडवर्टाइजमेंट नंबर 338/RCSSB करके है। तो यह वाला जो वैकेंसी आप 2023 का नॉन जीडी का फिल किए थे, जिसमें आपका डिफरेंट डिफरेंट आपकी कौन सी पोस्ट थी, जैसे कि आपका कारपेंटर हो गया, कांस्टेबल की ये सारी थी, कारपेंटर हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, ड्राइवर हो गया, टेलर, गार्डनर, कॉबलर, वेटनरी, पेंटर, वॉशरमैन, बारबर, सफाई वाला, कुक एंड वाटर कैरियर, ये सारे आपके क्या थे, ट्रेड थे। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत लोग का सेंटर बहुत दूर भेज दिया, जैसे कि समझ लीजिए अगर वो यूपी ईस्ट से है तो उनका राजस्थान अलवर भेज दिया गया है उधर। तो अब उन लोग मतलब इस धर्म संकट में थे, डाउट में थे कि हम जाएं कि ना जाए। तो मेरे पास एक कैंडिडेट ने कॉल किया, मतलब ट्रेन में ही था तो गया, तो फिर कॉल किया कि भैया मैं क्या करूं, मैं फंस गया हूं। एक को मेरा जो है कि बिहार पुलिस का है और वहां तीन को मेरा एसएसबी का है जो कि अलवर लगा हुआ है। मैं कहा देखो तुम ना तो बिहार को छोड़ो ना तो उसको छोड़ो, जाओ बिहार में दो, वहां से ट्रेन पकड़ो और सीधे चले जाओ। तो उसको मैं बताया होते और वो निकल चुका है और जा रहा है। बाय द वे मैं वीडियो तो रात में 2 तारीख के रात में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आप काफी ज्यादा रात हो चुका है आपके लिए। मैं कहा कि टाइम निकाल के जरूर से जरूर इस पर मैं वीडियो बना के आपके लिए लाऊंगा, ताकि आप लोग अगर नहीं गए हैं तो जाइए। बाकी तो वीडियो काफी लेट है, लेकिन तो एक बस इंफॉर्मेशन देने के लिए। और इसमें और काफी ट्रेड्स का भी आया हुआ है, जैसे कि स्टेनो का भी है, फार्मासिस्ट और भी अलग अलग ट्रेड का है। तो आप सभी लोगों को जिनका जिनका है 100% आप लोग जाइए दीजिए। और अभी जितने ट्रेड का ये मैं नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, खास करके इसके बारे में मैं बात करने के लिए आया हूँ कि आप क्या करिए, कि मैं क्यों आपको कह रहा हूँ जाने के लिए। अभी मैं इसको बता दे रहा हूँ, फिर आपको मैं एक और इंसिडेंट बताऊंगा उस इंसिडेंट में क्या हुआ था, ठीक है। क्योंकि मैं आप ही आप जैसे हैं ना वैसे सेम मैं भी हूँ, जैसे आप प्रॉब्लम को फेस करते हैं उसी तरह से मैं भी, बस सिर्फ हमें सोल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करना है प्रॉब्लम को छोड़ के। तो आपका सबसे पहले हम प्रोसीजर जान लेते हैं कि आपने फॉर्म फिल कर दिया, इसके बाद आपका क्या होगा, PET PST होगा। मैं आपके पीछे जो नोटिफिकेशन आपका चल रहा है, PET PST आपका होगा, PET PST यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका रनिंग होगा। रनिंग कितना होगा, 4.8 किलोमीटर 4800 मीटर का रनिंग होगा, आपको 24 मिनट दिया जाएगा, वही पुलिस वाला जो जैसे यूपीपी में होता है, उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो वही वाला है आपका 4800 मीटर जो है कि 24 मिनट में आपको दौड़ना रहेगा। और फिर उसके बाद फीमेल के लिए क्या है कि 2400 मीटर यानी कि 2.4 किलोमीटर आपका 18 मिनट फीमेल को टाइम मिलेगा। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि आपका हाइट कितना होना चाहिए 170 सेंटीमीटर मेल के लिए, और अलग जो SC ST ST से आएंगे उनको छोड़ के, या गढ़वाली कुमाऊनी हिली एरिया से आएंगे उनके लिए 5 सेंटीमीटर का छूट 165। इसी तरह से फीमेल में भी है अपना, आप देख लीजिएगा उसका, तो आपको पता होगा इसलिए आपने फॉर्म भरा है। तो इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिजिकल का भी क्लियर हो गया कि आपको कितना दौड़ना है, बता दिया। अब उसके बाद आपका जब इसमें आप क्लियर कर लोगे, ये जो होगा आपका SSB जो कि टेंडर दे रखी है, अभी तो अभी कैंडिडेट गए हैं, मैं उनसे बात करके बता दूंगा। वैसे जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि वो आपका जो है कि टेंडर मिला हुआ है ऑनलाइन, वो लोग पूरा डिजिटली आपका सब कुछ मेजर होगा, हाइट, वेट, चेस्ट, रनिंग RFID से है, आप जाएंगे आपके पैर में क्लिप RFID वाला जो लगा रहेगा टैग, टाई से बांध दिया जाएगा, आप अपना आराम से दौड़िएगा। और ध्यान रखा करिए कि जो क्लिप मिलता है ना उसको एक बार वेलक्रो लगा हुआ था होता है, वेलक्रो का मतलब चिपकाने वाला होता है, चिपकाइए उसको, बहुत टाइट ना चिपकाया करिए, ढीला थोड़ा रहे, क्योंकि आपका ब्लड का सर्कुलेशन भी आराम से हो, डर ये नहीं खुलने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर से आपको टाई मिलता है बांधने के लिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखा करिए। सेकेंड स्टेज पे आते हैं कि आपका रिटर्न एग्जाम है, जैसे ही आप इसको क्लियर करेंगे आपका कुछ महीनों बाद लगभग, मुझे अब बताना तो नहीं सही है यहाँ पे कितना, अभी अभी से बता दूं, अभी तो प्रोसेस कंप्लीट भी नहीं हुआ, इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, जल्दी ही कुछ ही महीनों में इसका आपका एग्जाम हो जाएगा, इतना समझ लीजिए। अब एग्जामिनेशन में क्या होगा, मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ इसके बारे में आपके वैकेंसी के, क्यों बात कर रहा हूँ, यही आपका एग्जामिनेशन क्यों, क्योंकि आपका सिलेबस जो है ना वही सेम है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश या हिंदी आपका ऑप्शनल है, ठीक है, आप ही के
तरफ है, आप इंग्लिश करिए चाहे हिंदी करिए, और जीके और जीएस सेम वही है, तो आप जाइए आराम से दीजिए, ठीक है। अगर आपको इसमें सिलेबस अगर आपका डिफरेंट रहता, मान लीजिए जैसे वेटनरी वाले हो गए, आईटीबीपी में क्या किया था कि वेट वाले लोगों के लिए, भैया लोगों के लिए अलग से क्वेश्चन डिजाइन करके दे दिया था 50 मार्क्स का, उसको करिए, तो इसमें आप थोड़ा सा अपने आप को स्केप कर सकते थे, ठीक है। तो अब इसमें तो कोई चांस ही नहीं है कि आप न जाएं, आप जाइए, क्योंकि सिलेबस ही वही है। अगर आपका पढ़ाई अच्छा है, आप जाना चाहते हैं, अच्छा से मतलब कि हाँ जाना है, तो जाइए, ठीक है। इसमें कोई ऐसा संदेह वाला दिक्कत नहीं है रिटर्न में, जैसे आईटीबीपी में था। ओके, तो यही फिलहाल इस वीडियो में मैं रख रहा हूँ। हाँ, लास्ट में मैं जाते जाते आपको वही कहानी जो बताना था कि क्या हुआ था, एक इंसिडेंट अब कहानी बोला जाएगा कि पंजाब पुलिस का आया हुआ था कॉन्स्टेबल का, ठीक है। मैं उसको टेलीग्राम में मैं नोटिफिकेशन भी डाला हुआ था, हालांकि वो हर जगह सर्कुलेट नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, बहुत ही मतलब कम जगह पे वो एडवर्टाइज हुआ था। पंजाब पुलिस का था, कांस्टेबल का था, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो भी कहते हैं वहाँ पे, उसमें था वैकेंसी, और उसका आया था वैकेंसी टेलीग्राम ग्रुप जो मेरा है, मैं उसमें इंटीमेट आपको किया था क्या है, नेशनल कोबरा कैडेट नाम से टेलीग्राम का मेरा चैनल है, ग्रुप या बोले या चैनल बोले, चैनल ही बोल लीजिए, कि टेलीग्राम जो चैनल नेशनल कोबरा कैडेट्स, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन ओइन करना होगा तो जा करके कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही वहां पे मैं ऐसे हमेशा फालतू का चीज नहीं जाता है, बहुत ऑथेंटिक चीज जाता है, आपके फायदे के लिए ही जाता है। तो उस पे मैं इन्फॉर्म कर दिया था कि भैया देखो ये आ गया है फॉर्म, इसका ये एलिजिबिलिटी, ये सिलेबस है, नोटिफिकेशन पूरा मैं डाल दिया था। तो कुछ बेवकूफ क्या थे ना कि मतलब बस फॉर्म आया, डालना है, अब जिसके पास भैया अब क्या क्या कि भरे गए देने के लिए, उनके पास इतना मेंटल स्टेट नहीं है कि कोई दूसरा बोल रहा है फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म भर दे रहे हैं, जा रहे हैं पेपर देने के लिए, सिलेबस नहीं देख रहे हैं कि भैया कि आप किस में माहिर हो। अगर कोई बंदा जो है कि यूपी से है, बिहार से है, राजस्थान से है, मध्य प्रदेश से है, या फिर झारखंड से है, महाराष्ट्र से है, गुजरात से है, अगर वो इसका फॉर्म फिल कर रहा है, एलिजिबिलिटी अगर आप पूरा कर रहे हो, इसका मतलब नहीं कि आप माहिर हो गए, उसका सिलेबस तो भी तो देखिए। तो क्या हुआ कि उसमें जो सिलेबस में था आपका 50 मार्क्स का क्वालिफाइंग नेचर का पंजाबी लैंग्वेज था, ठीक है, 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन आपका पंजाबी लैंग्वेज था। 50 मार्क्स यानी कितना था, मुझे लगता है 50 क्वेश्चन था, अब एक क्वेश्चन शायद 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का जो भी रहा हो, मैं इस पर कंफर्म नहीं, लेकिन 50 क्वेश्चन था, आपको 50% मार्क्स मिनिमम स्कोर करने थे, यानी कि आपको 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही करने थे, सही सही आपको 25 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए थे। तो अब उसमें आप बताओ, ये जो जितना भी स्टेट बता रहा हूँ, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, झारखंड, तो इसमें कौन भैया पंजाबी लैंग्वेज आएगा, तब तो जाओगे आप, तब तो आप उसके क्राइटेरिया को क्वालिफाई करो, क्वालिफाइंग नेचर, अगर आप उसका रिटर्न में और जो होगा उसमें आप मार्क्स ला करके क्या करो, उसमें भी क्या है कि जो इसका ये तो क्वालिफाइंग नेचर का 50 क्वेश्चन तो अलग से है, और उसके पहले भी जो आपका हिंदी है, हिंदी को हटा के वहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज भर दिया है, ठीक है, पंजाबी लैंग्वेज में 10-15 क्वेश्चन जो भी है पंजाबी, तो 15-20 क्वेश्चन में आप तुक्का मारोगे तो मुश्किल से आपका 5 से 6 सही होगा, बहुत आपका भाग सही रहेगा तो 10 सही हो जाएगा 20 में से, 50% से तुक्का नहीं सही होता, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटेड फ्लू करते हो तब आपका 50% सही होने का चांस रहता है, मुश्किल 6-7 आपका सही होगा, तो कहाँ से आप मतलब आप क्वालिफाई नहीं करना, आपको कट ऑफ को आपको क्लियर करना है। तो ये चलिए छोड़िए, यहीं पे छोड़ता हूँ इसको, तो आप इस तरह से भरा करिए, थोड़ा सा अपना दिमाग उमांग लगा लिया करिए। तो उनसे वही बात हो रहा था तो बोल दिया इसी पे फालतू का फॉर्म भरते हो तो उस पर मतलब लोग ऐसे, ठीक है, अब लोगों को क्या मैं बस ऐसे बता ही सकता हूँ, समझा सकता हूँ, समझना नहीं समझना है आपका पूरा हक में है, समझना है समझिए, नहीं तो मत समझिए, बस आपको मैं अपने तरफ से जो भी गाइड कर सकता हूँ, जो भी थोड़ा बहुत मदद कर सकता हूँ, जो भी मैं एनालिसिस एक्सपीरियंस से जो भी इकट्ठा करता हूँ उसको बता दे रहा हूँ। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आके आपका SSB के लिए आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। कोई भी कमेंट क्वारी होगा तो आप मेल आईडी है nationalcobracadets@gmail.com, और कमेंट बॉक्स आपका टेलीग्राम है, ग्रुप है, चैनल है, सब है, आप वहाँ पे जाइए, जो भी क्वारी हो उसको बताइए, पूछिए, मैं आपसे मिलता हूँ इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर जय हिंद, जय भारत।